बच्चों एपी का पार्ट नंबर टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नया सेशन होने वाला, बढ़िया सेशन होगा। सबसे पहले रिपीट कराएंगे फॉर्म लोगो, तो फॉर्म लोगो का रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्लियर। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है आज के चार वर्ड LMSC के चार इम्पोर्टेंट वर्ड है। और आज से अब हम एक काम करेंगे कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको ट्यूशन जरूरत क्यों है, आप ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं या आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या होता है, तो उसको हम सीखेंगे यहाँ से। एल का मतलब होता है लीडरशिप। क्या होती है? लीडरशिप। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो और वहाँ पे अपने टीचर्स को देखते हो, तो वो एज अ लीडर आपको लीड करते हैं, तो यहाँ से बात आती है लीडरशिप। एम का मतलब होता है मोटिवेशन। दैट्स अ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज मोटिवेट करना, जिसको देखकर आप मोटिवेट होते हो सकता है हमारी कोई बातें आपको अच्छी लगती हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। तीसरे नंबर पे बात आती है सुपरविजन। क्या आती है? सुपरविजन। सुपरविजन मतलब नजरें, पार की नजरें। मैं आप पे सुपरविजन रखता हूँ, लेकिन मुझसे का सुपरविजन आप पे तृप्ति और ध्रुव भैया रखते हैं, तो डेट इज नोन एज अ सुपरविजन। उसके बाद बारी आती है सी, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, और जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। द कम्युनिकेशन इज अ मीडियम बाय विच वी कम्युनिकेट, बाय विच वी शेयर अवर आइडिया, इमोशन, ओपिनियन एंड फैक्ट्स, जिससे हम आपस में बातचीत करते हैं। क्लियर हुआ? बातचीत करते ही हम आपसे फॉर्मूले पूछते हैं। चलिए बारी आती है फॉर्मूले बताने की। सबसे पहला फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। जब लास्ट टर्म d हो तो l is equal to a plus n minus 1 into d। आपसे कोई पूछे 100 टर्म बताओ, तो आप बोलेंगे 100 टर्म होती है a plus 99 d। पास में आया? वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट बॉक्स, सेकंड टू बॉक्स एंड 26। आपको इसमें सेकंड बॉक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे? तो जो फर्स्ट टर्म है इसे आप बोलेंगे a, ये होगा a प्लस डी और ये है आपकी a प्लस 2d। तो a कितना है आप बोलेंगे 2, a प्लस 2d कितना है ये है आपका 26। आपको क्या निकालना है? a प्लस डी। चलिए a की वैल्यू 2 है, लगा दीजिए 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24 और d की वैल्यू आ गई 12, यानी कि हमारे पास आया 12। तो a प्लस डी क्या होगा? आप बोलेंगे a प्लस डी होगा सर 2 प्लस 12 यानी कि 14। चलिए डिवीजन लेते हैं। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट टर्म। क्या होगी फर्स्ट टर्म? यस a। सेकंड टर्म क्या थी? a प्लस 2 माइनस 1d, तो डायरेक्ट आ गई a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 3d। चलिए फिफ्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 4d यानी एक टर्म। टेंथ टर्म क्या होगी? टेंथ टर्म होगी a प्लस 9d। कैसी रही? अच्छी रही ना सर? तो आपको ये क्वेश्चन हमने समझा दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताएगा वो क्या बताएगा इसको हम चेक करते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्लॉक दिया है 13, फिर एक ब्लॉक है और हमारे पास है 3। पहली टर्म a होगी, फिर होगा a प्लस बी, ये है हमारा a प्लस 2d और ये है हमारा a प्लस 3d, यानी हमारे पास है चार टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो सेकंड टर्म है ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये है आपकी a प्लस 3d, a प्लस 3d कितना हो गया 3। क्लियर? किसी को समझ ना आई तो दोबारा पूछेगा। मैं आपसे पूछूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगी, आप बोलेंगे a प्लस 4d सर। मैं आपसे पूछूंगा टेंथ टर्म क्या होगी, a प्लस 9d। कितना मजा आ रहा है इसे बोलने में, ये मेरी लैंग्वेज नहीं पर बोल रहे हैं, मजा आना चाहिए ना। अब हम आपसे पूछते हैं नेक्स्ट बार क्या होगी।
a प्लस बी है 13, a प्लस टू डी है 3। चलिए सॉल्व करते हैं, a a आपको दिया हुआ है, फिर माइनस करते हैं इसमें से, फिर माइनस करते हैं या माइनस करते हैं, ये क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a कैंसिल हो गया, b से 3d के क्या आएगा माइनस 2d, 13 से 3 का क्या आएगा 10, d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए कितना आया माइनस 5। ऑनलाइन क्लास होती तो बढ़िया है लेकिन मजा नहीं आता, रीजन क्या है मालूम है आपको, जो लाइव क्लास के एग्जाम होता है ना, जब हम एक साथ बैठे होते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो जो मस्ती होती है वो मस्ती दूसरे के चेहरे को देख के उसके ऊपर बोलना, वो चीज बस मिस करता हूँ मैं। तो ऑनलाइन क्लासेस बढ़िया है, अच्छी है, बच्चों को अच्छा सिखाती है, लेकिन वो चीज मिस हो जाती है। बात समझ आई, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, गुड, समझना चाहिए। बी की वैल्यू आ गई -5, अब डी को बेटा इसमें पुट कर दो, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a की वैल्यू आ गई 13 + 5, a की वैल्यू हुई 18, क्लियर? तो a है हमारा 18, a प्लस 2d क्या होगा, a है 18 प्लस 2d है माइनस 5, 18 में से माइनस कर दो 10, तो ये निकल के आया 8, ये होगा 8। कैसा लगा बेटा आपको क्वेश्चन? आई थिंक सो आपका आंसर आएगा कि सर हमें तो अच्छे से समझ आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको चेक करते हैं। चलिए एक और बॉक्स वाला क्वेश्चन लगाता हूं, मजा आएगा। -4 (box, box, 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 6) यहां पे आपको दिया है a, a क्या है -4, a a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d, a प्लस 5d आपका है 6, a की वैल्यू -4, -4 प्लस 5 इनटू d इज इक्वल टू 6, सो 5d इज इक्वल टू 6 और -4 का क्या आएगा प्लस का 4, सो 5d इज इक्वल टू 10, सो d की वैल्यू आ गई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d का वैल्यू है 2। अब बेटे d आप इसमें पुट करते चले जाओ, a की वैल्यू क्या है -4 + 6, a प्लस 2d कैसे लिखेंगे, a -4, 2 × 6, -4, 3 × 6, -4, 4 × 6, और इसे सॉल्व कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 4 गए 8, 18 में से 4 गए 14, 24 में से 4 गए 20, तो व्हाट इज द आंसर, 2, 8, 14 और 20 हमारा हो जाएगा आंसर। किसी को इसमें कोई दिक्कत आए तो हमसे जरूर पूछें, हम उसके ये डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी मैं आपको रिवीजन कराता हूं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, ……78 तो कौन सी टर्म होगी 78, ठीक है हम निकालेंगे इसको, ये क्या है एक तरीके से एल है, या फिर इसको आप बोल सकते हो ए एल है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, डी की वैल्यू है 8 - 3 यानी कि 5, फॉर्म लगाओ a n is equal to a plus n minus n into b, a n कितना चीज हो 78, a कितना है 3, n minus 1 और d की वैल्यू क्या है 5, सॉल्व कर दीजिए 78 is equal to 3 plus 5n minus 5, 78 is equal to -2 plus 5n, उधर ले जाओ 78 plus 2 is equal to 5n, 80 is equal to 5n, कैंसिल कर दो, n की वैल्यू आ गई 16, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n होगा 16। किसी को इसमें कोई डाउट? आई थिंक सो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इस पूरी एक्सरसाइज में इसी के बेस पर क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन इसमें और कवर कर लेता हूं, 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है आपका 7, 13, 19,
205. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ए कितना है 7, बी कितना है 13 माइनस 7 6, और ये क्या है एल. फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन कितना है 205, ए कितना है 7, एन माइनस 1 क्या है एन, क्या है एन, एन क्या है नहीं पता ना, डी कितना है 6. 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 एन माइनस 6. 205 इज इक्वल टू 7 में 6 गया ए प्लस 6 एन. 1 को आप उधर ले जाओ 204 इज इक्वल टू 6 एन. काट दो 6 की 18, 6 चौके 24. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? आप बोलेंगे सर एन का वैल्यू हमारा है 34. यस, यही तो चाहिए ब्रो. तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 34. ठीक है बेटा, अब मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 तक क्लियर करे हैं. आपका काम है इसके आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और अच्छे से जो हो सके उन क्वेश्चन को सॉल्व करें. क्लियर? लेकिन बात आती है कि हम लोग के मन में ये बात आती है कि सर ये जो पढ़ाई है ये किस काम आती है, ये जो मैथ्स हैं ये क्वेश्चन हमारे किस काम आएंगे, शायद हमें तो इसका कुछ यूज़ नहीं हो पाएगा. कुछ बच्चे और भी ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो सोचते हैं कि सर मैंने पूछी भी क्यों आ रहे हो पढ़ने, सर अभी पढ़ लेते हैं पास जाएंगे और क्या है, सर ट्वेल्थ तो होनी बहुत जरूरी है ना इस बारे पढ़ने. तो एक सबसे पहली बात आती है, आप लोगों का एक मोटिव होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? एक मोटिव होना चाहिए. एक क्वेश्चन हमने बच्चों को करने के लिए कहा कि बेटा इसे घर जाके काम करके लेके आना, उसने कहा ठीक है सर करके ले आएंगे. उसने क्या करा, उसने बड़ी मुश्किल से उस काम को पूरा कर लिया. उस काम को पूरा करने के लिए उसने क्या करा, उसने उस काम को करने के लिए पहले एक नई कॉपी खरीद के लाया, फिर उसने एक अच्छा सा पेन लेके आया, महंगा वाला 50 रुपये वाला पेन लाया, फिर उसने उस काम को करके दिया, काम अगले दिन वो करके ले आया. एक बच्चा था वो घर गया, उसके पास कॉपी थी, उस कॉपी उसने काम किया, पेन उसका खत्म हो गया, मार्केट गया 2 रुपये का पेन लाया और 2 रुपये के पेन से लाए काम करके दे दिया. तो यहाँ से बात आई, काम दोनों ने पूरा किया, लेकिन एक वर्ड होता है, एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी. इसका मतलब होता है ऑन टाइम कि काम तो किया ऑन टाइम किया, लेकिन इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, यहाँ तो उसने कॉस्ट भी कम करी. तो यानी कि जब आप कोई काम करते हो तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम हमारी कॉस्ट लगे और वो हमारा जो काम है वो हमारा पूरा हो जाए. इसीलिए कम से कम संसाधनों का प्रयोग हो, कम से कम चीज़ों का यूज़ हो और हमारी लाइफ एक बेटर लाइफ बन जाए, इस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना है. और यही काम हमारा हमारे एनवायरमेंट के लिए भी है कि यदि हम एनवायरमेंट की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो जितनी कम से कम यूज़ हो उतनी बढ़िया है. बात समझ आई? जितनी कोशिश करोगे आगे जरूर बढ़ोगे, ये बात बहुत ज़रूरी है. और एक और बात बताता हूँ कि यदि आप अपने काम में लगे हुए हो और यदि आपको ऊपर वाले पे विश्वास है तो ऊपर वाला आपके लिए जरूर चलकर आएगा, वो आपके साथ है, वो आपको हर समय देखता है. इस मारे यदि आप कमरे में बंद हो और यदि उसके बाद आप सोचते हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो वो ईश्वर जो परमात्मा है वो सब जगह आपको देख रहा है. बात समझ आई? यदि आपको लगता है कि आपको किसी की दोस्त चीज चुरा ली, अपने अच्छे से उस चीज़ को घर लेके चले गए, बढ़िया लग रही है यार, कहीं पड़ा हुआ फ़ोन मिल गया, किसी का फ़ोन था आपने उठा के लिया है, यदि आप ऐसी चीज़ें करते हो तो यकीन मानिए भगवान आपको वहाँ देख रहा है, वो हर जगह देखने वाला है. और इसकी एक स्टोरी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोशिश करते हैं. ठीक है.